एक होता ना कि आई चोज दिस जर्नी ऑफ गेटिंग इन टू एक्टिंग एंड प्रोसीडिंग, पीपल गिव मी अपॉर्चुनिटीज एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव माई बेस्ट एवरी टाइम एंड पीपल आर लाइकिंग इट एंड पीपल आर सपोर्टिंग इट. तो इससे बड़ी बात क्या है कि आपने एक जर्नी चूज की, यू वर्किंग ऑन इट, आपके फैमिली में कोई भी कोई चला नहीं, आपको पेरेंट्स ने सपोर्ट किया और वैसा ही सपोर्ट आपके फैंस भी आपको दे रहे हैं. हाउ ब्यूटिफुल इज दैट. आप कैसा माइंडसेट बना के चलते हो कि मुझे चाहिए 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 फिर नहीं मिलता है, यू फील बैड डेफिनेटली. बट मैं एक्सपेक्ट करके ही नहीं जाता था कि मुझे कुछ मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं था मेरा कहीं कुछ हो सकता है. तो एंड दैट इज द ओनली रीजन व्हाई आई पुश्ड माइसेल्फ टुवर्ड्स ग्रोइंग मोर एंड मोर. जब आपको लगता है कि आपका हो जाएगा, जब आपको लगता है कि सब कुछ सॉर्टेड है, तो फिर आप इतनी मेहनत नहीं करते हो. आपको लगना चाहिए कि नहीं होगा, आपको लगना चाहिए कि आपका कुछ फ्यूचर नहीं है, तब जाके आज मेहनत करना शुरू करते हो. पता नहीं सच में पता नहीं मुझे कैसे कर पाऊँ, बट हाँ कोशिश की हमेशा. आई थिंक सो दैट श्री कृष्ण का जो किरदार है उसमें जो सीख मिलती है हर एक इंसान को, वो सीख मिलनी चाहिए. यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न ऑल ऑफ दोस थिंग्स. So Sumedh, welcome to Times of India. Thank you so much. And how are you? I'm good. I'm absolutely amazing. How are you? I'm good. Thank you. And as you said, you know, ki aapne pehle dance ke shows ke, you started as a dancer. So, you know, Sumedh, how has been your journey? Has been a smooth sailing one, ya phir you had to face and go through your rejections and criticisms? Definitely, I had to go through a lot of things. And it was not smooth. That's something which I can guarantee. बहुत बहुत चीजें होती हैं, लोग criticize करते ही हैं. Especially जब आप में ऐसा जो कह रहे थे ना standard actor कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए अगर आप eligible नहीं होते हो तो बहुत सारे लोग आपको ऐसा feel करवाएंगे कि तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो actor बनने की सोच के. तो वो तो होता है, वो तो journey थी मेरी. लोग नहीं believe करते हैं, फिर उनको मैं कुछ नहीं कहता हूँ, बोला ठीक है आपको लगता है कोई बात नहीं. मतलब मुझे जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छा दे सकूँ. तो अगर मैं अपने आप को प्रूव कर पाता हूँ तो वो खुद ही जब नेक्स्ट टाइम मिलते हैं तो कहते हैं कि नहीं यार यू डिड इट राइट. एंड वो ऐसा नहीं कि कोई जान के आपको शायद गिराने की कोशिश करते हैं, लोगों को लगता है कि सच में नहीं कर पाया. बट दैट्स वेयर यू हैव टू ग्रो एंड प्रूव पीपल एंड योरसेल्फ. Right. तो मैंने किया 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 और लोग आज के रेट में काफी सपोर्टिव हैं. आगे का मुझे नहीं पता, बट मैं अपने बारे में जानता हूँ, मैं तो कोशिश करता रहूंगा. एंड रिजेक्शंस को उस समय आपने कैसे लिया? कुछ नहीं, क्या रिजेक्शन तब इतनी बड़ी बात थी नहीं. रिजेक्शन तो तब एक दिल तो दुखता है आप कैसा माइंडसेट बना के चलते हो कि मुझे चाहिए 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 फिर नहीं मिलता है, यू फील बैड डेफिनेटली. बट मैं एक्सपेक्ट करके ही नहीं जाता था कि मुझे कुछ मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं था मेरा कहीं कुछ हो सकता है. तो एंड दैट इज द ओनली रीजन व्हाई आई पुश्ड माइसेल्फ टुवर्ड्स ग्रोइंग मोर एंड मोर. जब आपको लगता है कि आपका हो जाएगा, जब आपको लगता है कि सब कुछ सॉर्टेड है, तो फिर आप इतनी मेहनत नहीं करते हो. आपको लगना चाहिए कि नहीं होगा, आपको लगना चाहिए कि आपका कुछ फ्यूचर नहीं है, तब जाके आज मेहनत करना शुरू करते हो. एंड डेफिनेटली मेरे आसपास जो थे बहुत सारे लोग ऐसे हुआ करते हैं मुझे कहीं ज्यादा अच्छे दिखते हैं, कहीं ज्यादा टैलेंटेड हैं, हर एक चीज है. तो डेफिनेटली मैं तो कुछ हवा में नहीं था कि मेरा सब अपने आप हो जाएगा. नहीं, मैं आई न्यू आई हैड टू वर्क हार्ड एंड हार्ड एंड एज मच एज आई कैन आई हैव टू वर्क हार्ड. जब होगा तभी जाके मेरा कुछ होगा. तो आई हैव टू मैं ग्रांटेड नहीं ली मैंने कभी. मुझे पता था कि रिजेक्शन मिलेंगे, ये सब होगा हर एक चीज हो रही है. एंड आई नेवर टुक इट दैट पर्सनली. आई जस्ट न्यू कि होता रहेगा और जितना होगा उतना और मैं खुद को और बेटर करूंगा ना. हर एक ऑडिशन जिसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बट एटलीस्ट कुछ नया सीख के तो जा सकते हो. वो 20-25 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा आपके ऑडिशन का, उसमें आप नया कैरेक्टर पोर्ट्रे करते हो, उसमें कुछ नया एक्सप्लोर करके तो जा सकते हो. सिलेक्ट करना ना करना वो उनका टेक है. अब उनको इस कैरेक्टर के लिए सुमेध या XYZ कोई चाहिए या नहीं चाहिए, बट आप एज एन एक्टर क्या करके गए वो भी तो मैटर करता है, क्या सीख के गए वो भी तो मैटर करता है. एंड यू नो इतनी कम उम्र में इतना मैच्योर कैरेक्टर करना जो स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, एंड यू नो महाभारत या कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण के लाइफ को पता करना, उनकी जो स्टेप्स उन्होंने लिए हैं अपनी यू नो लाइफ में, या जिन लोगों को उन्होंने टच किया है, ये सब आप कैसे कर पाए हैं अब तक? पता नहीं सच में पता नहीं मुझे कैसे कर पाऊँ.
बट हाँ कोशिश की हमेशा. आई थिंक सो दैट श्री कृष्ण का जो किरदार है उसमें जो सीख मिलती है हर एक इंसान को वो सीख मिलनी चाहिए. यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न ऑल ऑफ दोस थिंग्स. डेफिनेटली मैं ग्रास्प करके अपनी लाइफ में 100% नहीं ला पाता हूँ, बट फिर भी कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट समझ के उस राह पे चलने की कोशिश तो कर पाऊँ. Because trying is the first step, you know. Right. And you understand a little bit of things in a more sorted way. You understand things in a very peaceful way. And बहुत जरूरी है. मुझे अच्छा लगता गया, मैं try करता गया कि और सीखूं और समझूं. And it went pretty well for me. And do you have to read books and you know connect उनके बारे में और जानने की कोशिश की आपने script के अलावा? हाँ हाँ. शुरुआत में मेरे पास बहुत time था show शुरू होने से पहले, तो मैंने थोड़ा पढ़ा. मैंने सबके पोर्ट्रेल देखे जिन्होंने श्री कृष्ण का किरदार प्ले किया. सो वो सब चीज़ें मैंने रिसर्च की, किसने क्या किया है, क्या डिफरेंस है हर एक के पोर्ट्रेल में, मेरे इसमें मैं क्या डालना चाहता हूँ. एंड जो छोटे एक होता ना कि थॉट प्रोसीजर समझ पाना कि कैरेक्टर जो मैं प्ले कर रहा हूँ डेफिनेटली श्री कृष्ण कैसे सोचते हैं ये मैं नहीं बता सकता. वो मल्टी डायमेंशनल है. वो बहुत बहुत एक होता ना कि वो समझ हमारे बस की नहीं है. बट जितना हो सके मैं जो कैरेक्टर प्ले करने वाला हूँ श्री कृष्ण का वो तो मैं होऊंगा ना ऑन स्क्रीन, तो मैं कहाँ तक सोचूंगा, मेरी थॉट प्रोसेस क्या हो सकती है. ये सब डिस्कवर करने की ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही. सो आई वाज यस वेरी हैप्पी अबाउट एंड आई वाज हैप्पी दैट आई एम गेटिंग सच एन कैरेक्टर. एंड यस इट वाज माय ड्यूटी टू गिव ईच एंड एवरीथिंग टू दिस. I remember आपको 2.5 साल if I'm not wrong wait करना पड़ा था इस project को to go on floors, right? Am I right? What I can recollect from that interview. 2016 के जून या जुलाई में मैं cast हुआ था कृष्ण के लिए. September के आसपास show cancel हो गया था. फिर उसके बाद 2018 में मेरे ख्याल से October में हम मिले थे जब ये हुआ था. So definitely June 2018, 19 कहीं ना कहीं बिकॉज ये 2.5 years का जो वेट पीरियड था वो बहुत रंग लाया. Definitely, मुझे लगता है कि मेरी लाइफ ने मुझे थोड़ा और ये किया कि आप रेडी नहीं हो, आप रेडी हो जाओ और फिर आ जाओ इस कैरेक्टर के लिए. वो मुझे थोड़ा उसके बाद मैंने मूवीज किए, मैं काफी सारे ऐसे लोगों से मिला जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला. वो एक्टिंग में मेरे लिए बहुत वर्क कर गया एंड बहुत सारी चीजें सीखा. और फिर उस नॉलेज के साथ उस इम्प्रूवमेंट के साथ मुझे थोड़ा पहले से बेटर कॉन्फिडेंस था. डेफिनेटली 2016 में जो था उससे बेहतर कॉन्फिडेंस मुझे. अगर मैं 2016 में ये कैरेक्टर करता तो शायद मैं इतना नहीं कर पाता. तो तब मैंने किया, मैंने वर्क किया, बहुत सारी चीजें सीखी. वेटिंग पीरियड जो था इसमें मैंने बस कोशिश की मैं जहाँ तक हो सके सीख सकूँ नई चीज़ें एंड मेक माई सेल्फ अ बेटर एक्टर एज मच एज आई कैन. उस चीज़ पे मैंने ध्यान दिया एंड पीपल लव्ड इट. आई एम हैप्पी अबाउट इट. एंड हाउ हैज योर लाइफ चेंज यू नो आफ्टर प्लेइंग दिस कैरेक्टर बिकॉज देयर इज अ इमेंस फैन फॉलोइंग दैट इज फॉर यू वेदर इट इज ऑनलाइन या फिर ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ यंगस्टर्स में लोग पहचानते हैं. इनफैक्ट जितने भी नॉर्थ साइड में लोग हैं वो इस शो को बहुत पसंद करते हैं एंड यू नो हर एज ग्रुप में लोग ये शो देखते हैं और आपको प्यार देते हैं. सो हाउ हैज योर लाइफ चेंज्ड पोस्ट डूइंग एंड टेकिंग अप दिस कैरेक्टर? अच्छा वाह, काफी इम्प्रूवमेंट हुई है. बहुत अच्छा लगता है इतने सारे लोग आपको इतना प्यार देते हैं. आपको पता नहीं होता कौन है कहाँ से है, लेकिन उसके मन में आपके लिए जो होता है वो देख के, उसके आंखों में आपके लिए आंसू देख के, खुशी के आंसू देख के, यू फील रियली गुड अबाउट इट. एंड यस होता ना कि आई चोज दिस जर्नी ऑफ गेटिंग इनटू एक्टिंग एंड प्रोसीडिंग. पीपल गिव मी अपॉर्चुनिटीज एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव माई बेस्ट एवरी टाइम एंड पीपल आर लाइकिंग इट एंड पीपल आर सपोर्टिंग इट. तो इससे बड़ी बात क्या है कि आपने एक जर्नी चूज की, यू आर वर्किंग ऑन इट. आपके फैमिली में कोई भी कोई चला नहीं, आपको पेरेंट्स ने सपोर्ट किया और वैसा ही सपोर्ट आपके फैंस भी आपको दे रहे हैं. हाउ ब्यूटिफुल इज दैट, यू नो इट इज अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर मी कि इतने सारे लोग मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं हर एक चीज के लिए. तो यस मैं फिर वही, कोई इतना अगर मुझ में फेट डालता है तो मैं कभी नहीं तोड़ सकता. मतलब मुझे खुद खुद पे शर्म आएंगी अगर मैंने किसी मुझे किसी ने बहुत प्यार से कोई चीज दी या
लिए कुछ किया, मुझ में सपोर्ट दिखाया और मैं उनको लेट डाउन कभी नहीं करना चाहता. एज अ पर्सन आई थिंक दैट्स माय रिस्पांसिबिलिटी एंड आई गिव माय बेस्ट. मुझे अच्छा लगता है हमेशा देखे कि उनको अच्छा लग रहा है मेरा काम. तो मैं हमेशा चेक भी करते रहता हूँ कि अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है. जब मैं आप लोगों को मिली थी लॉन्च पर, तो आई रिमेम्बर कि शी वाज वेरी नर्वस बिकॉज़ शी वाज वेरी यंग, शी हैड नॉट फेस्ड कैमरा उससे पहले, और ये मीडिया इंटरेक्शंस वगैरह तो कभी नहीं किया था उन्होंने आई होपफुली. तो आप दोनों की केमिस्ट्री में, फ्रेंडशिप में, बॉन्डिंग में, इस जर्नी में क्या चेंजेस आए हैं एंड हाउ हाउ क्लोज एज फ्रेंड्स यू गाइज हैव बिकम? लाइक इन टुडेस डेट आई जस्ट फील कि हम पहले जो थे बहुत इवॉल्व हुए दोनों एज पीपल, एज आर्टिस्ट, एज फ्रेंड्स एंड एज ह्यूमन बीइंग्स. हम अभी समझते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं, हम समझते हैं कि हम इस शो का हिस्सा 2 साल से रह चुके हैं, तो नए लोगों को वेलकमिंग फील करवाना भी कहीं ना कहीं जहाँ तक हम कर सके हमें करना चाहिए. शी इज ग्रोन अ लॉट एज एन एक्टर. जो आप कह रहे हो नर्वस थी, डेफिनेटली पहला शो है एंड पूरी लाइमलाइट है, राधा कृष्ण में राधा वो है. Says she was nervous, but she's gone a long way, and now she's a person who's grown so much than before. I'm proud of her, I suppose. But you know, जब ऐसे reports आते हैं that you guys are more than friends and all, तो क्या कभी friendship पे वो चीज effect करती है? एक चीज तो है ना, मैंने life में बहुत experience किया है. Like personal life के बारे में मुझे लगता है कि personal life जो भी है, personal life, दोस्त हो या आप क्या सीख रहे हो, क्या कर रहे हो, आपका रूटीन हो, कुछ भी हो, मुझे लगता है कि ये हमारे लिए होनी चाहिए. कोई भी चीज, जैसे कि मैं दिन में अगर 5 घंटा मूवी देखता हूँ अपने लिए देखता हूँ, मैं अगर कहीं बोल दूंगा किसी इंटरव्यू में तो 4 लोग उस पर 4 कमेंट्स पास करेंगे, क्यों मैं नहीं. तो मैं और मलिका दोनों ये बात समझते हैं कि लाइफ में चाहे जो कुछ भी हो जाए, लोग कुछ ना कुछ बात करते रहेंगे. अभी जैसे कि हम भी ना YouTube खोल के बैठ के मजे में देखते रहते हैं क्या चल रहा है, you know, इस बार क्या कोई न्यूज़ निकाल रहा है क्या नहीं. She is a very precious person in my life and she is very good person at heart. But you know, then I don't think so. Personal life, if it's anything at all, whether it be Basant or anybody, yes, I appreciate all of them and all of these people are very close to me. So before winding up, what do you want to say to your fans who have been, you know, loving you, appreciating you in this role? I always say this, yes, you guys are precious. Thank you so much for all that you've done for us till now. And I love you so much. I feel strong because of you guys. I feel very motivated because of you guys. So that's about it. You guys are very important and just keep loving us and supporting us. That's all I want in life. Thank you so much for this. Thank you so much, Sumit. It was great talking to you. All the best for your future and hope you continue to entertain us like this. Sure. Thank you so much. Thank you so much. Take care of yourself. Bye.